हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद अधिमन। तो देखिए, हम लोग अधिगम का जो टॉपिक है वह पढ़ रहे थे, तो उसके बाद है अधिगम के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर हम जो सिद्धांत पढ़ेंगे, एक तो है व्यवहारवादी सिद्धांत जो कि उद्दीपक अनुक्रिया पर आधारित है, और दूसरा है संज्ञानवादी सिद्धांत जो कि उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत है। ठीक है, अब ये उद्दीपक क्या होता है इसको सबसे पहले समझ लीजिए कि हमारे जो वातावरण है इसमें कोई भी वस्तु है, कोई भी पद है जिसको देखकर व्यक्ति या पशु जो है वो कार्य करने के लिए प्रेरित हो रहा है, तो वो क्या है? उद्दीपक है। ठीक है, और उस उद्दीपक को देखकर जो भी वो क्रिया करता है तो वो क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। समझ गए आप इस चीज को? उद्दीपक क्या है? जिसको देखकर जो है जो भी व्यक्ति है, पशु है, वो प्रेरित हो रहा है, उसको देखकर जो कार्य कर रहा है, उद्दीपक अनुक्रिया कर रहा है, जिसके द्वारा ही वह सीखता है। तो व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक है वो इस बात को कहते हैं। संज्ञानवादी कहते हैं कि व्यवहार से नहीं सीखता बल्कि संज्ञान से सीखता है, यानी हमारा माइंड जो हमको कहता है कि झट से इस कार्य को कर लो, तो उसके द्वारा अधिगम होता है। ठीक है, तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जहां पर पुनर्वलन सिद्धांत जो दिया थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, हल ने, मिलर ने। पुनर्वलन यानी कि कुछ जो है, यदि हम व्यक्ति को, बालक को या पशु को क्या दें, हम कुछ रीइन्फोर्समेंट दें, तो उस लालच में वो सीखता है। ये थॉर्नडाइक भी कहते हैं, स्किनर कहते हैं, हल कहते हैं और मिलर कहते हैं। अपुनर्वलन सिद्धांत जो दिया गुथरी ने और पैवलोव ने। ठीक है, यहां पर ये कहते हैं कि पुनर्वलन के द्वारा नहीं बल्कि कंडीशन जो है वो रखो, चाहे वो पशु हो, व्यक्ति हो, कंडीशन रखोगे तो वो सीखेगा ही। दूसरी तरफ संज्ञानवादी सिद्धांत, जहां क्लासिकल संज्ञानवादी सिद्धांत है जो दिया गेस्टाल्ट ने, टॉलमैन ने, पियाजे ने और कोट लेविन ने, वही आधुनिक संज्ञानवादी जो है मनोवैज्ञानिक वो है ब्रूनर, आशुबैल, बांडुरा, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। ये सभी जो है किसमें आ जाएंगे? ये सभी जो है आधुनिक संज्ञानवादी सिद्धांत में आ जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम थॉर्नडाइक यहीं से स्टार्ट करेंगे, जिन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो थॉर्नडाइक जो है ये पहले व्यक्ति रहे, मनोवैज्ञानिक रहे, जिन्होंने उद्दीपक शब्द का प्रयोग किया। एक तो आप इस चीज को याद रखें, थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। थॉर्नडाइक फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं थॉर्नडाइक, जिन्होंने मनोविज्ञान को शिक्षा में प्रयोग किया। इनकी बुक जो है वह भी है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं, रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक, और ये जो मनोवैज्ञानिक हैं ये सबसे पहले मनोवैज्ञानिक रहे जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया। इनकी बुक का नाम है एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी, जो कि इन्होंने 1913 में लिखी, और जो इनका प्रयोग है वह बिल्ली पर इन्होंने किया 1912 में। जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है उसके उपनाम है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, SR थ्योरी, S से स्टूमुलस और आर से रिस्पॉन्स। स्टूमलेस यानी उद्दीपक, रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों ही याद रखें, स्टूमलेस रिस्पॉन्स, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखें। संबंधवाद या बंध का सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी। उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। तो ये सभी उपनाम किसके हैं? प्रयास और त्रुटि सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो थॉर्नडाइक का है उसके हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो थॉर्नडाइक जो है वो बिल्ली पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक जो भूखी बिल्ली, बिल्ली कैसी है? भूखी है। अब उसकी आवश्यकता क्या है कि उसको भूख लग रही है, खाना, खाना उसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो पजल बॉक्स में उसको जो है वो बंद कर देते हैं, और यहाँ पर ये जो पजल बॉक्स होता है इसका जो है एक दरवाजा होता है, और जो कि एक लीवर के द्वारा ही खुल सकता था। ठीक है, और इसी के बाहर जो है उसकी मनपसंद यानी जो मछली है वो रख दी जाती है, जो कि एक उद्दीपक का कार्य कर रही है, जो कि उसे अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो बिल्ली जो है उसका टारगेट क्या है? मछली है। अब उसके लिए वो क्या करेगी? बहुत सारी क्रियाएं करेगी। उसको नहीं पता है कि दरवाजा कैसे खुलेगा, तो उछल कूद करना, उल्टे सीधे जो है पंजे चलाना, वो कार्य ये करने लग जाती है। ठीक है, उद्दीपक के प्रति क्या करती है? अनुक्रिया करती है।
और इस तरीके से जो है कभी जो है बिल्ली का पैर जो है अचानक से इस लीवर पर पड़ जाता है और ये गेट खुल जाता है। बिल्ली जो है इस गेट से बाहर आती है और डायरेक्ट जो है ये भोजन अपना प्राप्त कर लेती है। ठीक है, अब थोंडाइक जो है उसको दोबारा से बंद करते हैं, फिर दोबारा से वो ये प्रयास करती है। ठीक है, और बार बार प्रयत्न करने से उसको जो है उद्दीपक की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर जो है कई बार वो गलतियां भी करती हैं, तो थोंडाइक यही कहते हैं कि यदि बार बार प्रयत्न किया जाए, ठीक है, या बार बार कोशिश करने के दौरान जो है वो त्रुटि हो, तो उसके द्वारा जो है अधिगम हो जाता है। तो एक भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया, पेटिका में एक दरवाजा था जो कि एक लीवर के ठीक प्रकार से दबने से खुल सकता था। पेटिका के बाहर भोजन रखा गया, बिल्ली ने सभी तरह के उल्टे सीधे पंजे चलाए, उछल कूद की, और इन प्रयत्नों के फलस्वरूप जो है वो संयोगवश जो है वो एक बार उसका पंजा लीवर पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया। यहाँ पर उसने बिल्कुल भी अपने दिमाग का प्रयोग नहीं किया, ये तो संयोगवश हुआ। ठीक है, और ये सब कुछ जो है वो उस उद्दीपक की वजह से हुआ। तो यहाँ उसने कोशिश की है और उसने उसके दौरान यानी प्रयत्न किया है और त्रुटि यानी कई गलतियां भी की हैं। यदि वह गलती नहीं करती तो वह नहीं सीख पाती। तो ऐसा थॉर्नडाइक कहते हैं, बाहर आकर बिल्ली ने भोजन प्राप्त कर लिया। यह प्रयोग जो है बार बार दोहराया गया और आखिर जो है वो बिल्ली ने लास्ट में इधर उधर उछलना कूदना बंद करके और डायरेक्ट जैसे ही उसको पजल बॉक्स में बंद कर दिया जाता, वो बटन जो है लीवर जो है उस पर पैर रखती और बाहर आ जाती और भोजन प्राप्त कर लेती। ठीक है, बार बार कोशिश करने से ही उसने सीखा। सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो सोपान थे वो है, एक था चालक, यानी अगर उसको भूखा नहीं रखते तो वो कोशिश नहीं करती। तो यहाँ पर चालक यानी ड्राइव जो कि चलाने का काम कर रहा है वो क्या है, उसकी भूख। लक्ष्य उसका क्या था, उस मछली को उस भोजन को प्राप्त करना। ठीक है, उसके बीच में जो ब्लॉक यानी अवरोध यानी जो रुकावटें आई वो क्या थी, वो पजल बॉक्स था। अनियमित क्रियाएं यानी बिल्ली द्वारा उल्टे सीधे प्रयास करना। संयोगवश सफलता यानी प्रयासों से उसको क्या मिल गई, अचानक से सफलता मिल गई। सही अनुक्रिया का चयन, तो उसने क्या है सही अनुक्रिया जो है कि सही अनुक्रिया का चयन किया और उसने भोजन प्राप्त कर लिया। और लास्ट में दृढ़ीकर यानी फिक्सेशन, अब ये चीज वो समझ गई कि कैसे जो है वो लीवर पर पैर रखना है, गेट खुलना है और खुलने के बाद जो है वो भोजन प्राप्त कर लेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये सभी सोपान है सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो कि बिल्ली ने किए। थोंडाई के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के प्रमुख सैद्धांतिक पक्ष। अधिगम में प्रयास त्रुटि जो है वो समाहित होती है कि जब सीखते हैं तो गलतियां भी होती हैं और बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं तभी जो है वह व्यक्ति सीख पाता है। अधिगम संबंधों या बंधनों के बनने का भी परिणाम है, जैसे कि उसने जो है संबंध बना लिया था कि पजल बॉक्स जो है उसमें जो लीवर है उसको दबाना है, दबाते ही गेट खुलना है और खुलने के बाद भोजन प्राप्त कर लेना है। अधिगम सूझ युक्त ना होकर उत्तरोत्तर होता है। ठीक है, अब यहाँ सूझ युक्त की बात ये नहीं कहते हैं, ये व्यवहारवादी हैं और ये कहते हैं कि व्यवहार जो है में परिवर्तन कैसे होता है, कोशिश करने से होता है, गलतियां करने से सीखता है। ठीक है, तो यहाँ सूझ युक्त ना होकर कैसे होता है, उत्तरोत्तर होता है, यानी पहले गलती करता है, फिर गलती करता है, फिर गलती करता है और अंत में जाकर सीख जाता है। अधिगम संज्ञान पर आधारित ना होकर प्रत्यक्ष होता है। यहाँ पर उसने अपने माइंड का प्रयोग नहीं किया बिल्ली ने, बल्कि उसने सामने जो चीज देखी, जो उद्दीपक देखा, बस उसको टारगेट किया और उसके लिए जो है उसने कोशिशें की। उसके बाद देखें अधिगम के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग। तो थोंडाइक ने अधिगम के नियमों को दो भागों में बांटा, एक तो मुख्य नियम दिए प्राइमरी लॉ और दूसरे जो है गौण नियम बताए। तो मुख्य नियम तीन बताए हैं और गौण नियम जो है वो पांच बताए हैं। तो सबसे पहले देखिए प्राथमिक या मुख्य नियम जो है वह है अभ्यास का नियम, यानी कि प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। यदि बार बार अभ्यास किया जाए तो अधिगम में पूर्णता आ जाती है। अब इस अधिगम के भी क्या हैं, दो उपनियम हैं। सबसे पहला है उपयोग का नियम और दूसरा है अनुपयोग का नियम। यदि व्यक्ति के जीवन में जो चीज उसे सीखनी है वो उपयोगी है तो अधिगम जल्दी होगा, और यदि वह चीज उपयोगी नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा। तो इस नियम का यही अर्थ है। ठीक है, अभ्यास का नियम कहता है कोई भी चीज सीखनी है प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ, कोई चीज लर्न करनी है बार बार पढ़ो उसको। ठीक है, यदि वह उपयोगी है आपके लिए आप सीख जाओगे, यदि वो अनुपयोगी है
तो आप नहीं सीख सकते। उपयोग का नियम, जब हम किसी पाठ को बार बार दोहराते हैं तो उसे हम सीख जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसको जो है बार बार प्रैक्टिस करने से हमारा फायदा होगा। उसके बाद देखिए तत्परता का नियम। तो यहाँ पर जो मैंने आपको घोड़े का एग्जाम्पल दिया था कि घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी वो तत्पर ही नहीं है तो हम उसको कैसे भी करके पानी नहीं पिला सकते। यदि बच्चा जो है पढ़ने के लिए रुचि नहीं रख रहा है तो हम उसको बाध्य नहीं कर सकते। तो इसमें जो है इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति, इसको जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है थॉर्नडाइक ने। यानी कोई बालक जो है किसी भी कार्य को अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के माध्यम से सीखना चाहता है तो कार्य कितना भी कठिन हो उसको सीख सकता है, अन्यथा नहीं सीख सकता। इसे तैयारी का नियम भी कहा जाता है। थोंडाई के अनुसार जब कोई संवहन इकाई तैयार हो तो उसे संवहन में संतोष मिलता है, और यदि वो तैयार नहीं है तो उसे संवहन से कष्ट होता है, ठीक है, तो वो नहीं सीख पाएगा। तो यहाँ तैयारी का जो तत्परता का नियम है उसके दो उपनियम हैं। सबसे पहले है रुचि का नियम और दूसरा है अरुचि का नियम, ठीक है। तो रुचि का नियम वही है कि यदि उसकी रुचि के अकॉर्डिंग जो है कार्य है तो वह तत्पर होगा उस चीज को सीखने के लिए, यदि उसकी रुचि के अकॉर्डिंग नहीं है तो बिल्कुल भी तत्पर नहीं होगा उस कार्य को सीखने में। थर्ड जो मुख्य नियम है वह है प्रभाव का नियम, यानी कि रिजल्ट। यदि हम कोई कार्य करते हैं उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो हम खुश हो जाते हैं, तो हम आगे भी उस कार्य को करने के लिए आतुर होंगे, ठीक है, और इसके अपोजिट हम उस कार्य को नहीं सीखेंगे। इसे परिणाम का नियम भी कहते हैं, इसे पुरस्कार या दंड का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जिन अनुक्रियाओं को करने से प्राणी को संतोष प्राप्त होता है तो उन क्रियाओं को वो बार बार दोहराता है, और जिन अनुक्रियाओं को करने से असंतोष की प्राप्ति होती है तो उन अनुक्रियाओं को प्राणी जो है वो दोबारा दोहराना नहीं चाहता है, ठीक है। तो इसके दो उपनियम हैं, संतोष का नियम और असंतोष का नियम। तो जहां पर संतोष का नियम जो है वो ये बोलता है कि जिन कार्यों को करने से व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा उसकी सुख शांति ये सब प्राप्त हो रही है तो उन कार्यों को व्यक्ति जीवन में बार बार दोहराएगा, ठीक है। इसके अपोजिट वो उन कार्यों को नहीं करेगा जिन कार्यों को करने से जो रिजल्ट है दुख भरा हो, उसको दर्द हो, कष्ट हो, अपमान सहना पड़े, उस कार्य को वो जीवन में नहीं दोहराएगा। तो प्रभाव का नियम जो है वो ये कहता है। तो इसे हम सफलता या असफलता का नियम भी कह सकते हैं। जो हमने देखा प्रभाव के नियम के दो मैंने आपको बताए प्रकार, कौन से, संतोष का नियम और असंतोष का नियम, तो उसे सफलता का नियम या असफलता का नियम भी कह सकते हैं, ठीक है। जिन कार्यों को करने से सुखद अनुभव मिलता है उसको हम बार बार दोहराएंगे, सीखेंगे ज्यादा। जिन कार्यों को करने से दुखद अनुभव होगा तो हम उसको नहीं सीखेंगे, कम सीखेंगे। अब उसके बाद देखिए गौण नियम बताए हैं थोंडाइक ने सीखने के, और वो कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक जो नियम है, मुख्य नियम, वो तीन थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ठीक है। और उसके बाद गौण नियम सबसे पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। तो सीखने के दौरान अनेक प्रयास जो है थोंडाइक का प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। यानी सीखने के दौरान जो है बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा द्वारा भी जो है अधिगम हो जाता है। जब व्यक्ति के सामने कोई भी जो है प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन के लिए वो व्यक्ति जो है बहुत सारे जो है प्रयास करता है, और इन्हीं प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति जो है अपनी समस्या को सॉल्व कर लेता है, ठीक है, सीख जाता है। नेक्स्ट देखिए दूसरा नियम है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। तो इससे जो है मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक शक्तियों को जो है वो महत्व दिया गया। जब बालक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होता है और मानसिक शक्तियों के प्रयोग के आधार पर किसी भी कार्य को सीखना चाहता है तो कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो बालक जो है उसको आसानी से सीख ही जाएगा। तो ये नियम कहता है कि मानसिक रूप से तैयार होने पर सीखना ज्यादा होता है। फिर देखिए आंशिक क्रिया का नियम। अंश, अंश यानी कि छोटा छोटा, ठीक है। अंश क्या होता है, जो पार्ट होते हैं। यदि हम कोई भी कार्य सिखाना चाहते हैं तो उसे हम पूरा ना देखकर छोटा छोटा दें। विषय वस्तु का आकार यदि जितना बड़ा होगा बच्चा देखते ही भयभीत हो जाएगा, ठीक है, और सीखना जो है कठिन हो जाएगा। विभिन्न प्रयासों से आंशिक क्रिया या पाठ्यक्रम को टुकड़ों में याद करना इस नियम के अंतर्गत। समानता का नियम या जिसे हम सादृश्यता का नियम भी कहते हैं, यानी जो भी चीज एक बार सीख ली है यदि हम उसे बार बार बिल्कुल इसी तरीके की दोहराएंगे
तब भी अधिगम जो है वो आसानी से हो जाता है। पूर्व अधिगम के अनुभव से समानता होने पर जो है सीखना आसान हो जाता है, यानी पूर्व में जो अधिगम किया है उसके अनुभव के आधार पर दोबारा से हमारे सामने वही सिचुएशन आ जाए तो हम उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए साहचर्य परिवर्तन का नियम, SR स्टूमुलस रिस्पॉन्स, उद्दीपक अनुक्रिया से जुड़ी वस्तुओं के साथ भी साहचर्य जो है स्थापित हो जाता है, ठीक है, उनके साथ भी संबंध जो है वह स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर साहचर्य परिवर्तन या सहचर स्थानांतरण का नियम जो है वो यही कह रहा है कि जब तक व्यक्ति अपने द्वारा निर्धारित किए गए जो उद्दीपक है तब तक उसको प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो अनुक्रिया करेगा, ठीक है, और जैसे ही उसको प्राप्त हो जाती है तो अनुक्रिया करना भी बंद कर देता है। फिर देखें इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, तो बिल्कुल क्रिया का अधिगम होता है, शिक्षा पर बल मिलता है, समस्या समाधान जो हो जाता है इसके द्वारा बार बार प्रैक्टिस की जाती है तो समस्या सॉल्व हो जाती है, निरंतर अभ्यास पर बल देता है, अनुभव द्वारा अधिगम पर ये बल देता है, सक्रिय वातावरण में शिक्षा जो है वह की जा सकती है, मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है क्योंकि जो यहाँ पर जो उच्च बुद्धि का बालक है वो बार बार प्रैक्टिस नहीं करेगा क्योंकि वो एक बार में ही उस चीज़ को करना सीख गया है, तो मंद बुद्धि बालक जो कि बार बार उस चीज़ को भूल जाता है तो वहाँ पर वो बार बार कोशिश करेगा, बार बार उसको प्रैक्टिस करने को दी जाएगी तो वहां पर ये उपयोगी है, छोटे बालकों हेतु जो है ये उपयोगी है क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि छोटे बालकों में रटने की प्रवृत्ति पाई जाती है, धीरे धीरे करके जो है वह उस चीज को रट लेते हैं और फिर उनके सामने जो भी उद्दीपक पेश किया जाता है तो उसके प्रति सही अनुक्रिया करते हैं। त्रुटियों का निराकरण करके अधिगम, गलतियों से ही जो है सीखा जाता है और शिक्षा में भी इसका बहुत महत्व है। इस सिद्धांत का शिक्षण में दंड पुरस्कार का महत्व कि वो बहुत सारी क्रियाएं जिस तरीके से बिल्ली ने की थी तो उसको उसके बदले क्या मिला था, पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो शिक्षण में यदि दंड का मतलब ये है कि उसने बहुत सारी उछल कूद की, यदि वह गलती करती रही तब तक उसे कोई भी प्राइज नहीं मिला, उसे जो है उसका उद्दीपक नहीं मिला, जैसे ही उसने करना सीख लिया उसे पुरस्कार मिला। विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजन, यदि हम छोटी छोटी वस्तुएं जो भी आंशिक तौर पर हमने देखा नियम में यदि प्रस्तुत की जाए कोई भी विषय वस्तु सिखाने के लिए तो वह सीख सकते हैं, ठीक है। यदि हम बच्चों के सामने कोई एक चैप्टर यदि हम पढ़ाना चाहते हैं तो हम उसको पूरा ना पढ़ाकर टुकड़ों में पढ़ाएं, जैसे कि अधिगम का पूरा एक यूनिट है उसको मैं टुकड़ों में पढ़ा रही हूँ ताकि आपको धीरे धीरे चीज़ें जो है वो पूरी समझ में आ सकें। यदि पूरी चीज़ें एक साथ जो है वो आपके सामने जो है रख दी जाएंगी तो आपको रुचि आना भी बंद हो जाएगा और वो चीज़ आपको नहीं आ पाएगी। जीवन से संबंधित शिक्षण है। उसके बाद देखिए आलोचना, कोई भी सिद्धांत कोई थ्योरी आती है तो उसकी आलोचना तो होती है, तो व्यवहारवादी जो हैं इनकी आलोचना करने वाले कौन रहे होंगे, संज्ञानवादी रहे होंगे जो कि दिमाग से सोचते हैं। वो कहते हैं कि प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है, बार बार जो है टाइम खराब करने की क्या जरूरत है, व्यर्थ के प्रयत्न की बात वो करते हैं कि जब हम अपना दिमाग का यूज करें और एक बार कोशिश करने पर हम उस चीज को सीख सकते हैं तो इतने सारे जो हैं बार बार जो है कोशिश करने की क्या जरूरत है, ठीक है। इससे समय जो है वो अधिक लगता है इस सिद्धांत से, ऐसा भी कहते हैं। रटने पर बल ये देता है, उस चीज को समझने पर बल नहीं देता है। बड़े बच्चों के लिए कम उपयोगी है क्योंकि बच्चा बड़ा जो होता है उसकी सूझबूझ शक्ति जो है वह अधिक होती है तो एक बार में ही वह सीख जाएगा, ये केवल छोटे बच्चों पर ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोंडाई का जो सिद्धांत पढ़ा वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, जो भी नियम है वो आप जो है अच्छे से याद करिएगा, उपनाम जो है वह भी आप याद करिएगा क्योंकि वहां से भी प्रश्न आता है। तो चलिए इसके बाद जो है हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे, पैवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, तब तक आप इसको रिवाइज करिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।